आप प्लीज उमर को थोड़े एटिकेट सिखाएं, तमीज सिखाएं उसको। तुम ये कहना चाह रही है कि मेरा उमर बदतमीज है, जबान चला रही हो मुझसे? ये क्या कर रही हैं आप? जूस पहुंचाने के बाद कमरे में बहुत सारे कपड़े रखे स्त्री के लिए, सब कपड़े स्त्री करो और कमरों में पहुंचा। माफ कीजिएगा, वो मैडम ने सिर्फ मुझे अपने काम के लिए रखा। तुम ठीक हो? लगी तो नहीं? चल जाओ, शाबाश। सोया है नसीब रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मम्मी आप भी आराम नहीं करती ना, इसलिए आपकी तबीयत खराब हो रही है हमेशा। अभी आप लोग खैरियत है? अलीम का एक्सीडेंट हो गया। अलीम का? डॉक्टर साहब, वो जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो मेरे हस्बैंड है अलीम। कैसे हैं भाई आप? बेहोश हैं वो, दिमाग में चोट लगने की वजह से क्लॉटिंग हो गई है। डॉक्टर साहब फिर अब क्या करें? सर्जरी करनी होगी फौरन। डॉक्टर साहब आप प्लीज कुछ भी करके उन्हें बचा दीजिए। हमारी पूरी कोशिश है, आप फॉर्म साइन कर लें, हम पेशेंट को ओटी में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे साइन कर दें आप। यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट उस तरफ है, आप पेमेंट डिपॉजिट करवा दें प्लीज। रावी तुम घर जाओ, पता है ना मेरी अलमारी में कहाँ पैसे रखे हैं, जो जितने रखे हुए जाओ ले आओ। इस वक्त जरूरत नहीं है उसकी, मैं कर दूंगा। नहीं नहीं जाएंगे भाई, हम कर लेंगे मैनेज। नहीं नहीं बाद में कर लेंगे उसको, अभी मैं कर दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ मम्मी, आपको छोड़कर आ जाता हूँ, बल्कि आप आफरीन को भी साथ भेज दें, या परेशान हो। मुझे नहीं जाना अपने बाबा को छोड़ के, मैं बाबा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मुश्किल वक्त में आजमाइश है, अल्लाह पे भरोसा रखो तुम सब, देखना अलीम ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आमीन। हम बस दुआ करें अलीम की, बिना दिल की गहराइयों से दुआ कर रही। मैं अम्मी को छोड़ के आता हूँ, आप फिक्र नहीं करें, बस अभी आया, दुआ करें ठीक हो जाए। चलेंगे शाम में। हाँ भाई, उनको लग रहा है इस कार्ड में बड़ी गाड़ी है। ओके तो ले लो, आपकी मर्जी। 10 तोले और ये सब चीजें ले लेनी। 10 तोला दे रहा हूँ, इसके अंदर गाड़ी भी हो सकती है। क्या हुआ अभी? आपको कोई बात करनी है? आप प्लीज बैठिए ना। तो ये मुझसे कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो? तो फिर तुम क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मैं कब आपके पीछे पड़ी? जिद दिलाती हो तुम मुझे, बहस करती हो हर वक्त, नीचा दिखाने की कोशिश करती हो मुझे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने आपको नीचा दिखाया। हाँ अगर आप कोई बात गलत करेंगे तो उस पर बोलना मेरा फर्ज भी और मेरा हक भी। जिस हक और फर्ज की तुम बात कर रही हो ना, वो एक शादीशुदा औरत को कई साल गुजारने के बाद मिलते हैं। ऐसा कुछ निकाहनामे पे तो नहीं लिखा होता? यही बातें तुम्हारी, यही जवाब मुझे आग लगा देते हैं। तो आप ही ना आप आग में जलें और ना दूसरों को जलाने की कोशिश करें। आई एम टेलिंग यू, आपकी जिंदगी बहुत सुकून में गुजरेगी। तुम क्यों हमारे सरों पर सवार हो गई हो, क्यों अजाब बन गई हो हम सब पर? प्लीज प्लीज रिलैक्स, अपना बीपी क्यों हाई कर रही है? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जान चुकी हूँ, मगर तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। इस घर में शादी होकर आने से बहुत पहले ही मैं आपको जान चुकी थी। तो चाहती नहीं थी कि हसन से तुम्हारी शादी हो? और फिर भी हो गई। इसी बात का गुस्सा है ना आपको? गुस्सा? गुस्सा नहीं, नफरत है मुझे तुमसे, नफरत।
अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद। आप ही प्लीज अपनी हद में रहो। हद? अब तुम मुझे बताओगी कि मेरी हद क्या है? जानती हो कि मेरा क्या रिश्ता है तुमसे? जी, नंद है आप मेरी। नंद हूँ ना तुम्हारी, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि नंद होती क्या है। तुम्हारी सारी असलियत मैं बताऊंगी लोगों को। इधर आओ तो। छोड़े, नहीं छोड़ूंगी। आओ तेरा मैं। ये बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। छोड़े मुझे। आज तक किसी ने मुझे इस तरह तंग नहीं किया है। अगर मेरे होगे अब तुमने जबान चलाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया ना अपनी, तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। क्या कर लोगी? क्या बुरा करोगी? क्या बुरा करोगी बताओ मुझे? क्या कर रही होगा? अरे निकाले इसे। हर वक्त ये मेरी बेइज्जती करती रहती है, मुझसे बहस करती रहती है। आप बहुत गलत कर रही हैं। अरे चुप रहो और तुम निकलो यहाँ से। कोई कहानी मत दोहराए जिसका अंजाम सिर्फ तबाही हो। अरे ये तो खुद ऐसी हरकतें कर रही है कि ये खुद तबाही के रास्ते पर चल निकली है। ये अपने आप को खुद तबाह कर लेगी। बस कर जाओ आप ही। खुद तबाह करके मैं खुद को भाई की तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। अरे तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले इसको इसके माँ बाप के घर छोड़ कर आओ। गलत फहमी है आपकी कि मैं अपने डैड के घर जाऊंगी। देख रहे हो इसको कितनी बदतमीजी कर रही है, कैसी बदजबान है और मेरी बेइज्जती कर रही है। अगर आपकी बात का जवाब देना बदजबानी और बेइज्जती है, तो आप अपनी इज्जत को खुद क्यों नहीं संभाल के रखते? मेरे साथ गलत करेंगे ना आप ही, तो मुझसे भी अच्छे की तवक्को मत रखिएगा। समझाओ इसको कि चुप कर जाए प्लीज। इसको समझाओ। हाँ। इसने तुम्हें भी अपने काबू में कर लिया, और ये सब हसन तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने आज तक इसको कभी मना नहीं किया, ये मुझसे बदतमीजी करती रही, और तुम बीवी का गुलाम बनकर रह गए। गुलाम नहीं बना मैं। सही और सच्ची बात पर हमेशा अपनी बीवी का साथ दूंगा मैं, और ये बात अच्छी तरह समझ लें आप। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं गलत हूं और वो सही है? क्योंकि मैं जानता हूं आपको। मुझे आदत नहीं है इस तरह की हरकतें बर्दाश्त करने की। हसन कहो, बाहर आपी ने जो कुछ भी किया वो गलत था, मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम्हारा मतलब क्या है हसन? आप ही मुझे आकर कोई भी गलत बातें बोलती रहे और मैं चुप करके खामोशी से सुनती रहूं। तुम तो खुद कह रहे हो कि आपी ने जो किया वो गलत किया, लेकिन क्या करूं, मेरी बड़ी बहन है वो, और जिस तरह आप ही रोई है मुझे भी अच्छा नहीं लगा वो। नहीं हसन, आज मैंने बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है, और हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए किया, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन है, पर आइंदा के लिए तुम्हें उनको समझाना होगा।
आओ जरा आओ। अच्छा आ जाओ ना। ओहो बैठ के बात करते हैं। आओ शाबाश। इधर आओ, इधर आओ, किधर बैठो मेरे पास। अच्छा रोना धोना तो बंद करो, मेरी बात सुनो। बहुत देखो मैं जानती हूँ कि तुम ये नहीं चाहती थी कि फरवाइज घर से चली जाए, जानती हूँ मैं। लेकिन बेटा तुम्हारे कहने का तरीका अंदाज बहुत गलत था है? और अब तो तुम्हें इस बात की भी समझ आ चुकी है कि अगर तुम अपने भाइयों को खुश रखना चाहती हो ना तो तुम्हें अपनी भाभियों को भी खुश रखना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह, और उनके साथ भी उतना ही प्यार मोहब्बत करना होगा जितना कि भाइयों के साथ करती हो, ठीक है ना? फिर तुम देखना तुम्हें कैसे हथेली का छाला बना के रखे। हाँ ये कोई बात नहीं हुई, मैं भी उस फरमा के माँ बाप को फोन करूंगी कि आए और उसे ले जाए अपने घर। वो अब यहाँ नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रह सकती है वो यहाँ। चलो इतना ना तुम रोना, परेशान ना हो ना, मेरी बात को समझो, बस उस पर अमल करोगी तो खुश रहोगी। हाँ क्या हुआ भाभी, कुछ पता चला? पता नहीं कब से ऑपरेशन हो रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा कोई हमें। आप प्लीज जाएं ना, पता करें हुआ क्या है अलीम को, कैसे है वो। दुआ करें ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही। आपने कितने पैसे जमा करवाए थे? भाभी छोड़ो इस बात को भी, हम कल सुबह ही आपके सारे पैसे वापस करेंगे। भाभी ये वक्त इन बातों का नहीं है, प्लीज। सब कैसे अली? हमने बड़ी कोशिश की बचाने की लेकिन हम बचा नहीं सके। नहीं नहीं ये क्या कह के गए? अली नहीं जा सकते, अली नहीं जा सकते, अली अली नहीं जा सकते, कैसे जा सकते वो? जो हालात बन चुके हैं उन्हें संभालना हम में से किसी के हाथ में नहीं है। देखिए भाई मैं आप सबसे छोटा हूं, इससे ज्यादा सख्ती से बात नहीं कर सकता आप ही से, लेकिन आप कर सकते हैं। उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या आप इस घर का माहौल हमेशा ऐसा ही रहेगा, हमेशा हमारा चैन सुकून बर्बाद होता रहेगा? मैं कतन नहीं चाहता कि तुम इस घर में फरवा के साथ बेसकूनी से रहो। भाई अब क्या करेंगे, आप ही के होते हुए यह नामुमकिन है। जाहिर सी बात है, बड़ी बहन है वो हमारी, उन्हें धक्के देके इस घर से बाहर तो नहीं निकाल सकते। लेकिन तुम्हें और फरवा को एक अलग घर लेके दिया जरूर जा सकता है। नहीं, मैं अम्मी और आपके बगैर नहीं रह सकता। कुछ वक्त तकलीफ होगी लेकिन फिर सेट हो जाओगे। और मैं अम्मी को लेके
तुम्हारे पास आता जाता रहूंगा। मैं कल ही तुम्हारे नए घर का बंदोबस्त करता हूँ, तुम तैयारी शुरू करो। हाँ चले जाओ तुम मुझे और अम्मी को छोड़कर। अच्छा हल निकाला है तुम दोनों ने। तुम दोनों मुझे अकेला कर देना चाहते हो साकिब, बजाय इसी कि तुम हसन को समझाओ तुम इसको गलत सलत मशवरे दे रहे हो। तुम दोनों ये कैसे भूल गए कि मैं तुम लोगों की वो बहन हूँ जिसने तुम लोगों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। तुम लोगों की हर खुशी में हंसी और हर गम में रोई हूँ मैं। आज तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बीवी से बदतमीजी करती हूँ, उसके साथ ज्यादती करती हूँ। राबी की दफा भी तुम लोगों ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। तुम लोगों को लगा था उस वक्त भी मैं गलत हूँ। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। मैं झूठी ना होते हुए भी झूठी समझी गई। मैंने गलती नहीं की थी लेकिन मुझे हमेशा गलत समझा गया। तो मैं तुम सबसे अलग रहना चाहती हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं कहीं स्ट्रेस में आकर मैं कुछ गलत चलत ना कर बैठूं। तुमसे कहा था हसन, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी बीवी को समझा, अगर तुमने नहीं समझा खैर अब मैं उससे खुद बात कर लूंगी। मेरी छोटी बहनों जैसी है वो। मैं जानती हूँ कि उसे मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं। पर अब मैं सब कुछ बर्दाश्त कर, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मेरी तरफ से। मगर हसन मुझे अम्मी और साकिब को छोड़कर मत जाओ। नानू आपको पता है मेरे एग्जाम्स ना बहुत अच्छे हो रहे हैं। भाई जाहिर है अच्छे तो होने थे, मेरा बेटा इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी पढ़ाई कर रहा है। अच्छा नानू, अगर मैं पास हो गया तब मुझे क्या गिफ्ट देंगी? मेरा बच्चा जो मुझसे मांगेगा वही दूंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अच्छा बेटा ऐसा करो कि अब थोड़ी देर के लिए सो जाओ। हाँ रेस्ट कर लो ना, जब आपके टीचर आएंगे ना तो मैं उठा दूंगी आपको, ठीक है? सो जाओ मेरे बच्चा, इसको ऊंचा कर लो। शाबाश। हाँ जहांगीर, मैं तुम्हारी उम्र से बात करवाता हूँ। फिर व्हाट? मैं अभी आ रहा हूं। देखो बात भी खत्म हो गई और तुम दोनों के दिल भी साफ हो गए। तुम देखना वो दिल से तुम्हारी इज्जत करेगी। मेरा ना तो दिल साफ हुआ है और ना ही मैं उसकी इज्जत करती। आपको क्या लगता है कि मैंने हथियार डाल दिए? सोया है नसीबा रब्बा ऐसी है जुदाई वे। तुम नाराज हो मुझसे? नहीं अब मुझे कुछ काम याद आ गया। बैठो फरवा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मगर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं गुस्से में
जुनून की कैफियत में पता नहीं क्यों दीवानी हो जाती हूँ। तो मुझे पागल या अहमक समझकर माफ कर दो। नहीं आपी, मैं सचमुच आपसे नाराज नहीं। देखो अब तो तुम ही इस घर की मालकिन हो, मैं तो मेहमान हूं। मेहमान भी ऐसा जो बहुत नाखुश हो। शादीशुदा औरत शोहर से नाराज होकर जब मैके आ जाती है तो कभी भी खुश नहीं रहती वहां। शायद मेरी यही बेबसी और झुंझलाहट तुम पर एक दो दफा निकल गई। तुम्हें छोटी बहन समझकर तुमसे एक बात शेयर करूं। कौन सी बात? तुम्हें पता है मुझे राबी बहुत अजीज थी। मैं बहुत प्यार बहुत चाव से उसे साकिब के लिए रुखसत कराकर लाई थी। मैं चाहती थी कि उसकी ड्रेसिंग से लेकर उसके खाने पीने के तौर तरीके सब बदल के रख दूं ताकि वो साकिब के साथ सरवाइव कर सके। मगर उसे शायद लगता था कि मैं बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करती हूँ, हर बात में उसे रोकती टोकती हूँ। उसने मुझसे दूर होने के लिए साकिब को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। फिर छोड़ो इस बात को, मैं नहीं चाहती कि किसी की इज्जत की धज्जियां तुम्हारे सामने या किसी और के सामने बिखेरूं। छोड़ो इस बात को, हम अपनी बात करते। तुम मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो प्लीज। नहीं आपी, आपने बात क्लियर कर दी, बस मामला खत्म। मॉम की कॉल आ रही है। हेलो, ये रोते धोते ड्रामे करके मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। जी मॉम, मैं जहांगीर, मेरी तरफ से आपको सिर्फ दुख और अजियत मिली है, मुझे माफ कर दें। पापा बहुत अच्छी जगह गए। मुझे उनके पास जाना है, क्या वो कभी वापसी नहीं आएंगे? बेटा वो बहुत प्यारी जगह गए, वो जन्नत में है। और जो जन्नत जाता है ना उसका वापस आने का दिल नहीं चाहता। बहुत खूबसूरत जगह है जन्नत। मुझे उनके पास जाना है।
कैसे कैसे छोड़ के चले गए वो हमें, किसी का तो ख्याल कर लेते, मेरा नज़ीरा भी का अपने का किसी का तो ख्याल बस कर दे बेटा, बस कर दे, दुआ करो उसके लिए। नेक रूती वो चली गई, नहीं रो बेटा, बस अब नहीं रोना, उसकी रूह को तकलीफ होगी। मेरा बच्चा भाभी, मैं जानती हूँ कि आपके लिए सबर करना इस वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह सिर्फ सबर करने वालों का साथ देता है ना, उनकी मदद करता है। भाभी, आपको अपने लिए, मेरे लिए और आफीन के लिए खुद को मजबूत करना पड़ेगा बस। चुप। ये तो खुद भाई की बहुत लाडली थी, तो जानती भाई मैं। देखिए कैसे खुद को संभाल कर कैसे अपनी भाभी को संभाल रही है, बहुत ही अच्छी बच्ची है। पता नहीं क्या लिखा है इसके नसीब में कि बर्बाद होकर आ गई बेचारी। बस बहन अल्लाह सबर दे इनको। मैं साकिब से और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो पैर पकड़ के भी माफी मांग लो। मैं आपसे अपनी बहन की खुशियों की भीख मांगता हूँ। सब खैर तो है, साना कहाँ चले गए थे आप? हलीम की डेथ हो गई। क्या? कैसे? कब? एक्सीडेंट। हॉस्पिटल में ऑपरेशन के वक्त डेथ हो गई। तो भाई आप बता देते मैं अम्मी को साथ ले चलता। नहीं नहीं, अम्मी को लेके जाना मुनासिब नहीं था, और तुम अम्मी आप ही को पता नहीं लगने देना प्लीज। ठीक है। भाभी को देखा आपने? उनकी हालत तो। मैं कब्रिस्तान गया था और वहां से सीधा वापस घर आ गया। भाभी को देखने की हिम्मत नहीं है मुझे। खुद अभी टूटी हुई थी, अपने आप को सही से संभाल नहीं सकती थी। आपने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया, बिल्कुल बेआसरा कर दिया मुझे। मैं तो आपके और भाभी की खातिर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, इतनी मजबूत नहीं थी जितनी बड़ी जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। भाई आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? करूं? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, बंद करो इसे। तुम्हें मत किया करें लड़ाई झगड़े। मैं लड़ाई झगड़े करती हूँ? वो लोग मेरे पीछे पड़े, वो लोग मुझसे लड़ते हैं। हाँ तो फिर आप घर चले, वहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं कहता, दादी भी आपसे डरती है, पापा भी। उमर, बच्चे हो ना, तो बच्चों जैसी बातें किया करो मुझसे। तो फिर ठीक है, आप यहाँ पे सबसे लड़ती ना, मैं बाबा के पास चले जाऊंगा। मुझसे ऐसी बकवास की ना, तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी। बाबा चुप। तो अगर तुमने बाबा का नाम लिया ना, तो जितने लोगों पे मुझे गुस्सा आया है ना, वो सारा गुस्सा मैं तुम पर उतार दूंगी। जाओ यहाँ से, बंद करो इसे, जाओ, इसको भी लेकर जाओ।
कैसे कयामत टूटी है उन पर। अदीम की जवानी की मौत ने भाभी और राबी को बेसहारा कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि राबी बड़े हौसले में थी, बहुत हिम्मत वाली बच्ची है। मैंने देखा जिस तरह वो मुनीजा और आफरीन को संभाल रही थी, कोई नहीं कर सकता था। उनको तसल्ली देना, उनको संभालना कोई आसान काम नहीं था। अल्लाह का करना भी अजीब है, आज अगर हम लोग ना होते तो कैसे वो संभालती अपने आप, कौन सहारा देता उन्हें। और देखो मैं तो चेकअप के लिए जा ही नहीं रही थी, तुम ही जबरदस्ती ले गए। ये था उसका करना, कैसे रास्ते बनाता है वो। वैसे मम्मी आज मुझे आइडिया हुआ कि उन लोगों के हालात भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, कैसे गुजारा करेंगी वो। बहुत फिक्र हो रही है मुझे उन लोगों की। बस बेटा अल्लाह ही मदद करेगा, वो ही रास्ते निकालता है। आमीन। बेटा मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई जिस तरह से आज तुमने फरवा से बात की। देखो बात भी ख़त्म हो गई और तुम दोनों के दिल भी साफ हो गए। अब तुम देखना वो दिल से तुम्हारी इज्जत करेगी। मेरा ना तो दिल साफ हुआ है और ना ही मैं उसकी इज्जत करती हूँ। आपको क्या लगता है कि मैंने हथियार डाल दिए? घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था इसलिए मैंने उंगलियाँ टेढ़ी की हैं। मुझे नजर नहीं आता कि मेरे दोनों भाई मेरे खिलाफ हो गए। आपकी उस लाडली बहू फरवा ने मेरे दोनों भाइयों को अपने काबू में कर लिया है। अब आप हसन को कहिएगा कि अपनी लाडली महारानी को कहे कि आइंदा मेरे सामने तमीज के दायरे में रहा करे। मुझे तो ये समझ नहीं आती बेटा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। सारी गलती सारा कसूर मेरा ही होता है। आप लोगों को उसकी कैंची की तरह चलती हुई जबान नजर नहीं आती? आप लोग मानते क्यों नहीं है कि वो लड़की इंतहाई बददिमाग और बदतमीज है और उसका रखा हुआ नौकर भी बदतमीज है। इस तरह तो घर के झगड़े कभी खत्म ही नहीं होंगे बेटा। नहीं होंगे, बिल्कुल खत्म नहीं होंगे जब तक वो लड़की इस घर में रहेगी। उसे तो मैं बस कर दो, दिमाग खराब करके रख दिया। इतना रिलैक्स फील कर रही थी मैं, लेकिन तुमने दोबारा मुझे टेंशन में डाल दिया। मैं क्या करूं, बस या अल्लाह तू ही रहम कर हम पर। हम और कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। क्यों आया तुम यहाँ? तुमने मेरी बहन के साथ बहुत जुल्म किया, उसे तलाक देकर माशरे में जलील होने के लिए छोड़ दिया। दर दर की ठोकरें खा रही है वो, उसका हिसाब लेने आया। तुम्हारी बहन का किरदार बकवास बंद करो, झूठी दलीलें देकर अपने गुनाह को मत छुपाओ। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जिस तरह मेरी बहन तड़पी है तुम्हारी बहन भी तड़पेगी, जिस तरह मैं तड़पाऊं तुम भी तड़पोगे।
क्यों आए हुए यहाँ? अलीम का बहुत तुम्हारे अफसोस और हमदर्दी की हमें कोई जरूरत नहीं है साथ में। तुम वापस जा सकते हो। चला जाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है। बहुत जुल्म कर दिया तुम्हारे साथ। मेरी माफी तुम्हारे जुल्म को कभी खत्म नहीं कर सकती साकिब, और ना ही तुम्हारे गुनाहों के एहसास को कम कर सकती है। जो भी कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया, मैंने सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। और मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, वही तुम लोगों का हिसाब करेगा। खुदा के लिए मत दुआ है, मत दुआ। पहचानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार। तुम्हारा मुजरिम, तुम जैसा चाहोगे जो चाहोगे ऐसा करने को तैयार। तुम सबकी मदद करने को तैयार। हमें तुम्हारी किसी भी मदद की कोई जरूरत नहीं है, और तुम जैसे इंसान से तो मरते हुए बंदा पानी ना मांगे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कहां यहां से चले जाऊं, तुम्हें धक्के देके निकलवाऊं यहां से? मैं जा रहा हूं। ये तुम्हारे हक महर के पैसे, इसमें तुम्हारा हक है। मेरा हक तुम्हारी किसी भी चीज में नहीं है साकिब, और तुम्हारे लिए बेहतर होगा आइंदा के बाद मेरे घर की दहलीज को पार मत कर। आई समझ? और अब तुम यहां से जा सकते हो।